हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 25th नवंबर 2020 और आज का दिन है बुधवार का। और जैसे आप देख रहे हो, आज बड़ा लेट हो गया मुझे आप लोगों को वेलकम करने में। अभी बज रहे हैं 9, पता नहीं शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए अभी 9 बज रहे हैं। और एज यूजुअल अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा मैं वैशाली और ग्रेटर नोएडा के चक्कर लगा रहा हूँ कुछ पेपर वर्क की वजह से। तो आज मैं दोबारा से वैशाली गया और दोबारा से ग्रेटर नोएडा आया और फिर से वही सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले आपको दिखाई हुई है, तो मैंने इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब 9 बजे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता तो वो एकदम डिट्टो हो जाता, सेम टू सेम। और एज ऑब्वियस आपको अभी भी ऐसे ही लग रहा होगा कि सेम चीज़ ही मैं बोल रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा, मैं खुद ग्रेटर नोएडा और वैशाली के चक्कर लगा लगा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही काम 3-4 दिन से कर रहा हूँ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, काम ख़त्म होना चाहिए चाहे जितना भी टाइम लगे, काम का जो कंक्लूजन है वो आना चाहिए। कुछ लोग पार्क मतलब लिफ्ट मांगने के लिए रास्ते में खड़े हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं। अभी मैं एक्चुअली 9 बज रहे हैं, अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। घर पहुँचने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। ये जो आपने वीडियोस देखे हैं अभी, ये दिल्ली के वीडियोस हैं। मैं सुबह एक्चुअली दिल्ली भी गया था, अशोक विहार नाम की जगह है दिल्ली में, वहाँ हम लोग गए थे किसी काम से। तो मैं पीछे बैठा हुआ था गाड़ी में, शशांक भाई के साथ मैं गया था। मैं शशांक भैया जो है वो हमारे सीनियर है हमारे ऑफिस में, तो उनके साथ मैं दिल्ली गया था किसी काम से। तो ये वीडियोज़ मैंने तब बनाए थे। तो तब मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली और नोएडा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो नंबर वन डिफरेंस है ट्रैफिक का। दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो इनसेन है। मतलब ऑफिस आवर्स सुबह अगर हम 9 से 10 की बात करें और शाम को अगर हम 6 से 8 की बात करें, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको 2 किलोमीटर का रास्ता किसी किसी जगह पे आधा घंटा लग सकता है, या शायद उससे भी ज़्यादा। 2 किलोमीटर कवर करने में आधा घंटा 45 मिनट लग सकते हैं, इतना क्राउडेड और इतना डेंस ट्रैफिक है दिल्ली का। और दूसरी चीज़ जो दिल्ली और नोएडा के बीच में डिफरेंट है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बेसिकली कहीं ना कहीं कम पड़ता है, और नोएडा में अगर आप रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, अगर नोएडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल जो है नोएडा की वो दिल्ली से थोड़ी सी ऊपर है। अगर हम बात करें लाइफस्टाइल इन द सेंस फ्लैट्स की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो नोएडा में दिल्ली से काफ़ी बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हालांकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑब्वियसली दिल्ली में कम है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें सैचुरेट हो चुकी है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि आपके आसपास ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं है। नोएडा में अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए तो आपको थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको या तो अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आपको मॉल जाना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रॉपर्टी कॉस्ट की। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और आप काफ़ी टाइम से रेंट पे रह रहे हैं और अब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली में 2 BHK जितने का मिलेगा उससे 3 गुना सस्ता आपको नोएडा में मिल जाएगा, और उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही सेम रहेगा, ऑलमोस्ट शायद उससे भी अच्छा और बेटर हो। तो इस वजह से दिल्ली के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे अब नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कार पार्किंग की बात करें तो दिल्ली में इसका प्रॉब्लम है, आपको कार पार्किंग नहीं मिलती है, आपको रोड्स और इंफ्रा नहीं मिलते, तो इस वजह से दिल्ली से धीरे धीरे लोग अब नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी,
और अगर आप दिल्ली प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप अगर 2 BHK भी प्लान करते हैं तो आपका जो फिगर है वो करोड़ में चला जाता है। और अगर आप वही चीज़ नोएडा में प्लान करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा एक बजट का एक बहुत ही बड़ा स्केल मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का, लगभग 35 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ नोएडा के अलग अलग जगह पे, क्योंकि नोएडा जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 23/23 किलोमीटर का एक लैंड बैंक है नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ये सारा मिलाकर 2 BHK यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको 35 लाख रुपए से लेकर लगभग 1.5 करोड़ तक के 2 BHK है। तो वैरायटी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 BHK आप नोएडा में दिल्ली में 1 करोड़ रुपये के नीचे आपको नहीं मिलता, वही चीज़ आपको यहाँ पे 1/3 कॉस्ट में मिल जाएगा, मतलब 30-35 लाख में मिल जाएगा और विद बेटर फैसिलिटीज़। और एक चीज़ जो नोएडा को सिर्फ दिल्ली ही नहीं इंडिया के किसी भी शहर से अलग करती है, और जो भी नोएडा आए हुए हैं अलग अलग शहरों से वो मेरे इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, वो है यहाँ के रोड्स और यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। नोएडा इज़ सो वेल कनेक्टेड टू एनी पार्ट नियर बाय। अगर आप गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा, एयरपोर्ट, आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करें गुड़गांव से, फरीदाबाद से या फिर दिल्ली से ही, तो आपको ये एहसास होगा कि नोएडा इज़ फार मोर वेल प्लान्ड एंड वेल कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे FNG है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है FNG का, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद रोड। आपको यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, कुंडली गाजियाबाद पलवल जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। आपको DMIC कॉरिडोर नोएडा से गुजर रही है, आपको मेट्रो लाइंस मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको मेरा लास्ट मतलब पिछले वीडियो में ही मैंने आपको दिखाया है, नोएडा के मेट्रो लाइन इतने वास्ट है, इतने वास्ट मेट्रो लाइंस कहीं पे भी नहीं है। मैजेंटा लाइन जो आपको साउथ दिल्ली की तरफ कनेक्ट करता है, और ब्लू लाइन जो आपको ईस्ट दिल्ली से लेकर नॉर्थ दिल्ली तक कनेक्ट कर देगा, उसके बाद आपका नोएडा का खुद का एक्वा लाइन, तो वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू मेट्रोज, थ्रू रोड, किसी भी शहर से, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के किसी भी शहर से बेटर और वेल प्लान्ड है। अभी मैं नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजर रहा हूँ, मैंने नोएडा एक्सप्रेसवे के वीडियोस ज़्यादा आपसे शेयर किए हुए पहले, तो इस वजह से शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी मेरे लेफ्ट पे ही जेनेसिस ग्लोबल स्कूल गया है, तो इससे मुझे याद आया कि स्कूल्स की नोएडा में भरमार है। आप इंडिया के बेस्ट स्कूल पाथवेज, उसके बाद आपको पता होगा आप पाथवेज के बारे में, पाथवेज इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड इसका नाम है पाथवेज स्कूल का। तो एक तो हो गया पाथवेज स्कूल, जेनेसिस ग्लोबल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद JBM इंटरनेशनल, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स ही स्कूल्स हैं नोएडा में। ऐसे बहुत ही कम स्कूल के फ्रेंचाइजीज होंगे, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया है, तो इस तरह से काफ़ी कम स्कूल ब्रांड्स होंगे जो नोएडा में नहीं है। इवन कि ग्रेटर नोएडा में मैंने ऑक्सफोर्ड का भी नाम सुना है। तो आपने ऐसा कोई भी स्कूलिंग ब्रांड, यूनिवर्सिटी ब्रांड या कॉलेज ब्रांड नहीं है इंडिया में जिसकी प्रेजेंस नोएडा में नहीं है, ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं होगा, सारे स्कूल्स यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर आपके बच्चे के लिए आप स्कूल देख रहे हैं तो यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। इवन शिवनादर स्कूल, शिवनादर यूनिवर्सिटी, मैंने यमुना एक्सप्रेसवे के वीडियोस में दिखाया था, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी पिछले 10-15 सालों से ऑपरेशनल है नोएडा में। और अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं आपको बता दूं नोएडा में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसके ऑफिसेस यहाँ पे नहीं है। आप अगर बात करें IT की तो TCS, कॉग्निजेंट, मेटलाइफ, एसेंचर और HCL का तो यहाँ पे महा कैंपस 50 एकड़ में कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है कि उसका गोल राउंड अबाउट लेने में आपको लगभग मेरे हिसाब से 2 या 3 किलोमीटर का तो राउंड अबाउट है, इतना बड़ा कैंपस है। और
बात करें अब मीडिया की, तो नोएडा में फिल्म सिटी है जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स शूट करते हैं। मैंने आपको अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इंडिया टीवी का ऑफिस दिखाया था। तो इसी तरह से आप जितने भी नामी दामी न्यूज़ देखते हैं वो सारे उनका सबका स्टूडियो नोएडा में है। और आप बात करते हैं, ये तो हो गया मीडिया और आईटी का। सेक्टर 62 नोएडा में पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नोएडा में प्लांट मोदी जी ने शायद इनॉग्रेट किया था। आप पता कीजिए, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है आईटी से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, मीडिया से लेकर, ए टू जेड एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त नोएडा में है। पूरा रोड खाली है और अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। तो 9:30 बज रहे हैं, अभी मैं घर घुस रहा हूँ। मेरे को घर घुसते घुसते अभी यहाँ से मेरे को 5 मिनट लगता है घर पहुँचने में। ऑलमोस्ट 9:30 बजे में अब मैं घर जा रहा हूँ। आप देखो पिछले 3 दिन से मैं डेली घर 9:30 बजे घुस रहा हूँ। तो ये है काम का लोड। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम जो है ऑफिस और बिजनेस थोड़ा ठंडा था। आपको पता ही है आई एम इन टू रियल स्टेट इंडस्ट्री। तो कोरोना की वजह से मार्केट थोड़ा सा ठंडा था और अभी कोरोना जब ख़त्म हुआ है और अभी पूजा और बंगालीज के लिए जो दुर्गा पूजा है, दिवाली है, ये सब जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट अभी गर्म हुआ है। तो काम का लोड थोड़ा सा भगवान की दुआ से ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स नोएडा और दिल्ली के बीच में। अगर आप अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आना चाह रहे हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि नोएडा एक डेवलपिंग जगह है, ये अनसैचुरेटेड है। अगर हम दिल्ली की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन दिल्ली एंड इन्वेस्टमेंट इन नोएडा की अगर हम बात करें, तो सैचुरेटेड मार्केट और अनसैचुरेटेड मार्केट में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस है। और अगर हम लिविंग की बात करें तो डिफरेंस है क्वालिटी का और डेंसिटी का। मेरे को नोएडा में 20 किलोमीटर का अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है नोएडा में, तो इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट। और यही 20 किलोमीटर अगर आप दिल्ली में कवर करेंगे तो इट विल टेक यू अराउंड 1 आवर। तो ये डिफरेंस है, 10 मिनट और 1 घंटा, ये डिफरेंस है ट्रैवल का नोएडा वर्सेस दिल्ली। तो फ्रेंड्स आज के नोएडा वर्सेस दिल्ली के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपकी कोई भी किसी भी तरीके की इंक्वायरी होती है, क्वेरी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरा कोशिश चल रहा है, मेरी कोशिश आप लोगों को ये समझाने में कि नोएडा में क्या है, क्या नहीं है, क्या स्कोप है। मैं अलग अलग वीडियोस नोएडा के बारे में बनाता रहता हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नोएडा के बारे में, दिल्ली NCR के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं यहाँ पे 8 साल हो गए मुझे रहते हुए। उससे पहले मैंने यहाँ पे अपना कॉलेज, अपना स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली से किया था, कंटिन्यूस नहीं, ब्रेकअप पे, क्योंकि होम टाउन में भी मैंने कुछ स्कूलिंग, मैंने अपना जो 10th और 12th है बोर्ड्स अपने होम टाउन से दिया था। बाकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो दिल्ली से ही किया था, कॉलेज भी मैंने दिल्ली से किया था, फिर मैंने कॉलेज बाकी कंटिन्यू कोलकाता से किया था। तो मैंने मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक्युमुलेट करेंगे तो मुझे ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो गए हैं दिल्ली NCR में रहते हुए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नए दिन में, एक नए एपिसोड में, एक नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए।